غازی 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज व अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। उन तुर्कों ने हमें बेबस कर दिया है बिल्कुल, लेकिन ये जान लोगे अर्तुरुल बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंचेगा। तुर्कों के खिलाफ आपकी दरखास्त पर बादशाह ने सिपाहियों की कुमक रवाना कर दी है जनाब। वो सिपाही बहुत जल्द किले में होंगे। बादशाह लश्कर का हजम देखना चाहता है। तुर्क कबाइल के हालात क्या है और वो हमसे किस हद तक मुजाहमत की ताकत रखते हैं? तुम चाहत हो मेरी पूरी दुनिया भी मुकाबिल आ जाकर पीछे नहीं हटूंगा। अमीर सादतीन इल्गिन बुलवाकर मुझे अपनी वालिदा से मिलवाना चाहते हैं। उनका कहना है कि वहां आकर निकाह की तैयारी की जाए। यानी कोनिया जा रहे हैं? सादतीन कोपेक से निकाह में कोई जबरदस्ती नहीं। हम अपने नसीब से और नहीं लड़ सकते भाई, और यही मेरा नसीब है। कहाँ चले? खैरियत है? अर्तुरुल भाई को बताने जा रहा हूँ कि हेलेना जिंदान में है, और ये भी कि किले की जासूसी करने का राज बहुत जल्द फाश हो जाएगा। लगता है कि अर्तुरुल भाई की डांट ने बहुत असर डाला है तुम्हारे दिमाग पर। तुम तो हवा के घोड़े पर अर्तुरुल भाई तक पहुंचना चाहते हो। ये इन बातों का वक्त नहीं है उस्ताद। रुको जरा। वो जिंदान से बाहर आ गई है और शहजादियों की तरह अपने कमरे में पहुंच चुकी है। ठीक है, वैसे लियूस को उस पर शक हुआ था, लेकिन अर्तुल भाई ने जब यास की लाश किले में भिजवाई तो उसके बाद वैसे लियूस को अपनी गलती का अंदाजा हो गया। शुक्र है तुम्हारी समझ में तो आई बात। अर्तुल भाई ने सही वक्त पर बाजी पलट दी, वरना वो बेचारी बहुत मुश्किल सूरत हाल से दो चार हो जाती। हमें भी खतरा हो सकता था हाजा तुरियन उस्ताद। शुक्र है कि अब हम पर भी किसी को शक नहीं होगा, वरना किले की जासूसी करना मुश्किल हो जाता। हाँ सही कहा, कुछ भी हो सकता था। अब फौरन तुम ये झाड़ू पकड़ो, दुकान को बहुत अच्छी तरह से चमकाना है तुम्हें। किले की सारी मट्टी दुकान में जमा हो गई है, सफाई होगी तो ग्राहक आएंगे। उस्ताद मैं बहुत थक गया हूँ, आराम करूंगा मैं जाकर। क्या खबर लाए हो? मुझे आजार साहब ने भेजा है। आजार से कहना मेरी वापसी पर उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। उसकी वजह से मेरी जान जाने वाली थी। अर्तुरुल को याज के बारे में मालूम था, अब क्या हुआ? दुंदार साहब उनके बारे में भी ये खबर है, कल वो कोनिया रवाना हो रहे। कोनिया? उसे ये कैसे मालूम हुआ? दुंदार ने आजार साहब की बेटी गुनियली खातून को बताया था। दुंदार का गुनियली खातून से क्या ताल्लुक है? दुंदार गुनियली खातून को पसंद करने लगा है, दोनों अक्सर साथ नजर आते हैं। वो जाने से पहले उनसे मिलने आया था। वाह वाह वाह, मतलब इश्क फरमा रहे हैं छोटे सरदार, और चुना भी बेहतरीन खातून को है। इसके अलावा और कोई खबर? थियो को बताना था, वो जाबदार कबीले के कैदखाने में है, उससे तफ्तीश की जा रही है। ठीक है ठीक है, अच्छा है। आजार से कहना वो आज रात ही थियो को फरार करा दे। जैसा आपका हुक्म भाई। और हाँ, उससे ये भी कहना कि अगर कोनिया जाने वाली बात गलत साबित हुई तो वो अपनी कब्र खुद ही खोद ले।
जमींदार वैसिलियस। क्या हुआ औरल, रात के खाने तक इंतजार नहीं हुआ? वो खबर सुनकर आपसे भी इंतजार नहीं होगा जो मैंने सुनी है। अब क्या सुन लिया तुमने? इंतकाम का रास्ता मिल गया मुझे। औरल, अगर तुम इतना वक्त अच्छे कामों में इस्तेमाल करते, क्या कहते हैं वो, तुम फरिश्ते होते औरल, फरिश्ते। जब तक अपना कबीला वापस आ, समझता हूं मैं तुम रुकने वाले नहीं। हाँ तो बताओ, क्या सुना है तुमने? कैसे लेंगे हम इंतकाम? अर्तुरुल का भाई दुंदार कल कोनिया रवाना होगा। कोनिया जा रहा है? जाने की वजह मालूम है आपको? सुल्तान से मिलने जा रहा होगा, यकीनन को यहां मालूमात देनी होगी। नहीं दे पाएगा क्योंकि आप रोक लेंगे उसे। बिल्कुल, अगर ये दोबारा से अर्तुरुल की बिछाई हुई कोई चाल ना हुई, जाने दो उसे। मानता हूं एक बार ऐसा हो गया वैसिलियस, आप मुझ पर एतबार क्यों नहीं करते? उसे कैसे जाने दे सकते हैं? मैं आपकी खिदमत में अर्तुरुल के भाई का सर पेश कर रहा हूं और आप यहां बैठे रहेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे? अगर मैं यहां बैठकर कुछ भी ना करूं औरल, तो मेरे बहुत कम सिपाही मारे जाएंगे। मैंने जब भी तुम्हारी बात मानी है, नुकसान के सिवा कुछ नहीं मिला मुझे। साथ ले चले मुझे, अगर ये कोई चाल हुई तो वही मेरा सर कलम कर दीजिएगा। मैंने आपको हाचातुरियान की असलियत बताई और अब मैं दुंदार का बता रहा हूं। और फिर थियो? थियो? क्या हुआ थियो को? थियो चावदार कबीले में है, वहां के कैद खाने में, लेकिन मैंने अपने आदमियों को हुक्म दे दिया है वो आज रात उसे वहां से निकाल देंगे। अगर तुम्हारे आदमियों ने उसे बचा लिया तो जो कहोगे वो करूंगा। दुंदार को पकड़ लेना काफी होगा, इंतकाम पूरा हो जाएगा इस तरह, और हम सुल्तान को भेजा जाने वाला पैगाम भी जान जाएंगे। तुम मेरे साथ चलोगे? अगर ये कोई चाल हुई तो फिर? राजी हूं मैं। अंदर आ सकता हूं भाई? आ जाओ कुतलूचा, आ जाओ। भाई अजार साहब के पीछे जो सिपाही भेजा था वो वापस आ गया है। उसने खबर दी है कि वो शिकार करने गए थे और किसी से मुलाकात भी नहीं हुई। ये अजार रोज रोज शिकार पर क्यों जा रहा है कुतलूचा? शिकार बहाना है उसके लिए, यकीनन असल बात कुछ और है। आपका क्या हुक्म है भाई? ताकुब जारी रखो उसका कुतलूचा, वो जिस से मिलता है उस पर कड़ी नजर रखो। हो सकता है कि वो अपनी जगह किसी और को भेज रहा हो। जैसा आपका हुक्म भाई। मुहाफिज़ो। हमें जल्द से जल्द थियो को कैद से निकालना होगा। वहां कितने मुहाफिज होते हैं? दो मुहाफिज भाई, कुतलूचा भी पहरेदारी करता है। ये काम हमें रात में करना होगा। थियो की रोटी में चाकू छुपाना होगा तुम्हें। मगर ये कैसे होगा भाई, कुतलूचा हर चीज की तलाशी लेता है, अगर उसे वो चाकू मिल गया? इसीलिए तो रोटी में छुपाने को कहा है तुमसे। बस चाकू उस तक पहुंचा दो तुम, बाकी मुहाफिजों से वो खुद निमट लेगा। और अपने मुहाफिजों से कह देना जब वो कबीले से बाहर जा रहा हो तो कोई मुजाहमत ना करे। जैसा आपका हुक्म भाई। इजाजत चाहता हूं आने की। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह,
मुखिल तो नहीं हुए हम? बिल्कुल नहीं। आ जाओ जवानों। तुम सबको एक साथ देखकर बहुत खुशी होती है। अल्लाह ये साथ हमेशा कायम रखे। आमीन। आमीन। पैगंबर अकरम की रिवायत थी कि वो अक्सर गुफ्तगू किया करते थे असहाबे कराम से, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उनके साथ ही जुदा होते चले गए उनसे। इसकी वजह बाज सहाबा की मैदान जंग में शहादत थी और कुछ सहाबा दीन की तबलीग के लिए सफर में थे, और बहुत से सहाबा मुशरिकीन के जुल्म के हाथों शहीद हो चुके थे। हमारे नबी के एक सहाबी थे मुसाब बिन उमेर, उन्होंने अपनी जान माल खानदान और सब कुछ दीन के लिए वक्फ कर दिया था। हजरत मुसाब बिन उमेर ने हुजूर अकरम की जान की हिफाजत करते हुए ग़ज़वाए उहद में जामे शहादत नोश किया। पैगंबर अकरम के चचा जो मुशरिकीन मक्का के खिलाफ हुजूर के सबसे बड़े हामी थे हजरत हमजा रजी अल्लाह, वो भी उहद ही में शहीद हुए। एक और साहबी जो हुजूर के चचाजाद भाई थे जाफर बिन अबू तालिब, वो जलीलुल कद्र साहबी जंगे मौता में शहीद हुए। अजीम मकासिद कुर्बानियों से हासिल होते हैं। आज आप सब साथ हैं। अगर इसी तरह आप अल्लाह की जन्नत में भी साथ रहना चाहते हैं तो हम आ वक्त शहादत के लिए तैयार रहें। मोमिनों के लिए जुदाई नहीं है कोई, जैसा कि इरशाद बारी ताला है सूरह बकरा में, शहीदों को मुर्दा ना कहो क्योंकि वो हमेशा जिंदा रहेंगे, लेकिन इसका शऊर नहीं तुम्हें। अल्लाह हमें भी शहादत पाने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। शहादत पाना हर किसी का मुकद्दर नहीं। शहादत उसके नसीब में आती है जो अपने माल, अपने नफ्स और अपनी ख्वाहिशात का ताबे नहीं। जो अपनी जान नबी की मोहब्बत में फिदा करता है उसका नसीब है शहादत। अपना सब कुछ दीन की राह में अल्लाह के हवाले कर देने वालों की मीरास है शहादत। उन अजीम हस्तियों ने जिस मकसद को हासिल करने के लिए शहादत को गले लगाया, अब उस मकसद को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है और हमारी नस्लों की भी। अल्लाह हमारी जिंदगियों को भी इस नेक मकसद के लिए कबूल फरमाए। आमीन। आमीन। कुतलुजा भाई, इसके लिए खाना आया है। एक लम्हे के लिए भी इस पर से नजरें मत हटाना। जैसा आपका हुक्म। जैसा आपका हुक्म।
अंदर जाओ, ये मुझे नहीं खाना तुम्हारा खाना। आजाद कैसे हुआ कुतलूचा? हाँ, अगर फरार हो जाता तो अर्तुरुल भाई को क्या बताते हम? इसे किसी ने चाकू भेजा है भाई, इस चाकू से रस्सी काटी है इसने। या रब, गद्दारों ने जीना मुहाल कर दिया है, रहम कर हम पर अपना। कबीले की मदद फरमा, मदद फरमा या रब। जी जय खातून, तुम उम्मीद से हो, आराम करना चाहिए तुम्हें। तुम्हारे जाने की तैयारी कर लूं दुआन, सुबह सवेरे तुम्हें रवाना होना है। छोड़ तो इन कपड़ों को, इनकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी मुझे। मेरी आंखों को और मेरे दिल को अपनी हसीन मुस्कुराहट से भर दो। तुम एक बार फिर नई मुहिम पे जा रहे हो दुआन, मुझे तुम पर बहुत फख्र है और मैं और क्या चिचैक, बताओ मुझे। बहुत खौफजदा हूं मैं, तुमने कुछ बताया भी नहीं है। अगर ये मुहिम भी कारा जैसार की मुहिम जैसी हुई तो? देखो चिचैक, जब मैंने अर्तुरुल भाई के मकसद को अपनाया था तो उस मकसद के लिए अपने खेमों को, अपने प्यारों को छोड़ना पड़ता है। मेरा मकसद भी यही है कि हमारी नस्लों को हमारी तरह हिजरत ना करनी पड़े, वो अपनी सरजमीन पर आजाद हों और हमेशा आजादी से जिंदगी गुजारे, खुद मुख्तार रहें। तुम परेशान मत हो, इस बार इतनी देर नहीं लगेगी, अल्लाह ने चाहा तो मैं चल आ जाऊंगा। अल्लाह की अमान में जाओ और खैरियत से वापस आओ इंशाल्लाह, कबीले की खातिर और अपनी औलाद के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मैं ये दूरी भी बर्दाश्त कर लूंगी। मेरा फखर हो तुम चिचै खातून, हर खातून तुम्हारी तरह बाहिम्मत और सब्र करने वाली नहीं होती। इसकी पैदाइश से पहले वापस आने की कोशिश करना दुआन, इसकी आंखें दुनिया में सबसे पहले तुम्हारी मुंतजर रहेंगी। तुमने सही कहा जी जैक। अगर इसने सबसे पहले अपने बंसी चचा को देख लिया तो बंसी तो परेशान हो जाएगा। ये तो बहुत प्यारा बच्चा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आ जाओ बेटा, आ जाओ अपने बंसी चचा के पास आ जाओ, मैं तुम्हें तलवारबाजी सिखाता हूँ।
अल्लाह की अमान में रहो। अल्लाह सफर आसान फरमाए। आपका पैगाम हमारे दिलो दिमाग में नक्श है भाई, इत्मीनान रखिए हम इसे पहुंचा देंगे। बहुत शुक्रिया दुआन। अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाए बेटा, दुश्मन की तमाम चालें और उसका फरेब तुमसे कोसों दूर रहे, बाहिफाजत वापस लौटो इंशाल्लाह। फिक्र मत करें वालिदा, हम जल्द ही भाई का पैगाम देकर वापस लौटेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेटा। अल्लाह तुम्हारा हामी नासिर हो। अल्लाह तुम्हारा सफर आसान करे भाई। तो आन मेरे भाई याद रखना, अगर खाली हाथ वापस आए तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। पहाड़ी भालू। इधर आओ छोटे सरदार। चाचा जल्दी वापस आइएगा। जान हो तुम चाचा की। सफर आसान हो भाई। बहुत शुक्रिया। अल्लाह मददगार हो तुम्हारा। मेरी औलाद अल्लाह के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी है। खैरियत से जाओ और बाहिफाजत वापस लौटो मेरे बच्चों। एक दूसरे का ख्याल रखना। कातिल को वो चाकू कहां से मिला कुतलूजा? क्या कर रहे थे तुम वहां? मैं भी नहीं समझ सका भाई, हालांकि हर चीज की तलाशी मैं खुद लेता हूं। उस खेमे में जाने वाला पानी तक मैं अपनी निगरानी में भेजता हूं। तो वो चाकू क्यों नहीं नजर आया तुम्हें? मैंने वहां सबसे भरोसामंद सिपाही तैनात किए हैं, वो हर वक्त मुस्तैद रहते हैं। और कौन से सिपाही आते हैं वहां? वो सिर्फ खाना और पानी लेकर आते हैं। वो जो कुछ भी लाते हैं उसकी तलाशी मैं अपने हाथों से लेता हूं भाई। अपनी निगरानी में सख्ती लाओ कुतलूजा। अब से उस कैदी थियो के लिए खाना लाने वालों की भी कड़ी निगरानी करोगे तुम। जाओ अब। भाई हो सकता है कि चाकू पहले से उसके पास मौजूद हो। जब तक कबीले में ये गद्दार रहेंगे हम सुकून का सांस नहीं ले सकते असलेहान। कबीले में हर तरफ साजिशी हैं। अब चलते हैं हम। मैं तैयार हूं भाई। ठीक है असलेहान, चलते हैं। Vesilius?
सुल्तान को तुम्हारा इंतजार ही रहेगा दुनदार साहब। कुछ जरूरी बातें ऐसी हैं जो मुझे भी तुमसे करनी है। इस बदबख्त को हमारे कोनिया जाने का कैसे पता चला? ये तो बस हमें मालूम था। जब तक ये रुमाल मेरे पास है, फिर मैं चाहे कोनिया जाऊं या फैजान, तुम्हें नहीं भूल पाऊंगा। यानी कोनिया जा रहे हैं? दुनदार साहब, किले में आप जैसे मेहमान का आना हमारे लिए बाइस शर्फ होगा। हथियार फेंक दें और खुद को हमारे हवाले कर दें। दुनदार साहब, मत भूलिएगा कि आपके भाई से किया हुआ वादा इतनी आसानी से भूल जाऊंगा मैं। उसकी नस्ल खत्म करके ही मुझे आराम आएगा। पकड़ लो इन्हें। क्या हुआ दुआन सिपाही, तुम इतनी जल्दी घुटनों पर आ गए? याद रखना, बहुत जल्द काई कबीला भी घुटनों पर आ जाएगा। इस उम्मीद में नहीं रहना, ये सिर्फ तुम्हारा ख्वाब है। ये बेचारा तो गया। आज का दिन मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है जमींदार वैसिलियस। ले चलो इसे। खुश आमदीद, शर्फ बख्शा आपने। शुक्रिया अर्तुरुल भाई। खुश आमदीद मेरी बच्ची। शुक्रिया हायमा खानम। खुश आमदीद असलेहान खातून। शुक्रिया। अच्छा हुआ पहले ही खबर कर दी आपने। इस खुशी के मौके पर आपका यहाँ आना हमारे लिए बाइस मुसर्रत है। बहुत खुशी हुई हमें। बहुत शुक्रिया आपका। तशरीफ रखिए।
अमीर सादतीन की तरफ से मकतूब मौसूल हुआ है भाई। उन्होंने आपको भी सलाम कहा है। वालेकुम अस्सलाम। उन्होंने मेरी बहन असलेहान को अपनी वालिदा से मुलाकात के लिए एक दिन बुलाया है। निकाह की तैयारी भी करना चाहते हैं, तो मैंने इजाजत दे दी। मैं रवानगी से पहले आप सब लोगों से एक बार मुलाकात करना चाहती थी, फिर पता नहीं मुलाकात होना हो। ऐसी बातें नहीं करते। अस्तग़फ़िरुल्लाह। इंशाल्लाह हम भी तुम्हारे निकाह में शामिल होंगे। मैं पहले ही अपने एक भाई को खो चुकी हूँ जो जीते जी हमारे लिए मर गया है। वो हमारे लिए किसी जिंदा लाश से कम नहीं है। बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंचेगा, लेकिन अल्लाह ने मुझे एक बहादुर भाई दिया है, अर्तुरुल सरदार। अल्लाह ने मेरी वालिदा को अपने पास बुला लिया और हायमा खानम जैसी शफीक वालिदा अता की। मेरी कोई सगी बहन नहीं थी, मगर अल्लाह ने मुझे हलीमा सुल्तान की शक्ल में सगी बहन अता की। अल्लाह आपसे हमेशा राजी हो। आपने मेरे भाई, मेरे वकार और मेरे कबीले को फितनों से बचा लिया, जिसके लिए मैं हमेशा आप सब लोगों की शुक्रगुजार रहूंगी। इंशाल्लाह ये मुश्किलात जल्द खत्म हो जाएंगी और आप लोग मेरे निकाह में शामिल होंगे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अल्लाह तुमसे जुड़े हर शख्स को खुश रखे। इंशाल्लाह तुम्हें जिंदगी की सब खुशियां नसीब हों और हमारी सल्तनत के अजीम लोगों में तुम्हारी औलाद का शुमार हो। आमीन आमीन। बिस्मिल्लाह कीजिए। ये लो बेटी। कबीले पहुंचने तक तेरी जान नहीं लेना मेरे अल्लाह। मुझे भाई से आखिरी मुलाकात का मौका अता फरमा। ये कमरबंद आपके लिबास पर खूब जचेगा असलेहान खातून। हलीमा, ये तो बहुत कीमती है, मेरी बहन से ज्यादा कीमती नहीं है। शुक्रिया असलेहान बेटी। ठीक हूं मैं वालिदा, बस अगर आप लोगों से दोबारा मुलाकात नहीं हुई तो। बाहिम्मत खातून को ऐसे अल्फाज जेब नहीं देते, और काई कबीला भी तुम्हारा अपना कबीला है। जब तुम्हारा दिल करे तुम आ सकती हो कबीले, तुम हमेशा हमें अपना खैर खा पाओगी। इतनी खूबसूरत आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते बेटी। तुम नई जिंदगी में खुश रहोगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैं यहां से बेफिक्र होकर जा रही हूँ हायमा खानम। अलियार भाई को सबसे पहले अल्लाह, उसके बाद अर्तुरुल साहब और आपके सुपुर्द करके जा रही हूँ। दोबारा आइएगा खातून, आपका इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया। सोने के सिक्के देख के आपकी आंखें चमकने लगती हैं उस्ताद। तुम्हें ये सोना लगता है?
मालूम है तुम्हें बादशाह ने इन सोने के सिक्कों में चांदी की मिलावट की है, जिसकी वजह से कारोबार तबाह हो गया है। जब हमारी कान पर दोबारा काम शुरू होगा फिर देखने को मिलेगा खाली सोना। ये बाहर शोर कैसा है? पता नहीं, चलकर देखते हैं। हमें इन लोगों के शर से बचा जिन्होंने अपनी रूहें बेच दी हैं शैतान को। मौत इस तुर्क के लिए निजात का बाइस होगी। हालांकि हर तुर्क का अंजाम एक जैसा ही होना है। लेकिन इस तुर्क की मौत इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि ये तुर्क मेरे कमांडरों के कातिल उस बदबख्त तुर्क अर्तुरुल का भाई है। मैंने इंतकाम ले लिया है। इंतकाम जिंदाबाद, इंतकाम जिंदाबाद, संविधान वैसल्यू जिंदाबाद, संविधान वैसल्यू जिंदाबाद। मैं इसे बादशाह के हवाले करूंगा तोहफे के तौर पर। इसे भेजूंगा ताकि हमारी सरजमीन पर काबिज होने वाले इन तुर्कों से बदला लिया जा सके। वो तुर्क जो बरसों से साजिशों के जरिए हमारे वसाइल पर काबिज होना चाहते हैं, हमारे बादशाह सलामत इनसे इंतकाम लेंगे। इंतकाम जिंदाबाद। मैं बताता हूँ इस घटिया इंसान को, इसे जान से मार दूंगा मैं। पर सुकून हो जाओ, क्या पागल हो गए हो? अपनी आंखें खुली रखिएगा हाजतूरियन उस्ताद, और तुर्क भाई बहुत जल्द इस किले की ईंट से ईंट बजा देंगे। आप मोहतात रहिएगा, हर किसी पर नजर रखिएगा। बहुत जल्द ये किला अर्तुरुल भाई के कब्जे में होगा। अपना ख्याल रखिएगा उस्ताद। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो दुमरुल, जाओ और जाकर अर्तुरुल भाई को खबर करो। कमांडर, सिपाहियों का दस्ता तैयार करो, इसे नीकिया लेकर जाओ और बादशाह के सामने पेश करो। जैसा आप कहें जनाब। बदकिस्मती से किले में तुम्हारा कयाम बहुत मुख्तसर रहेगा, लेकिन तुम्हारी मौत इतनी आसान नहीं होगी। तुम तुर्कों के हां एक कहावत मशहूर है ना, क्या थी? किस्मत, किस्मत क्या थी? क्या सोचा था और किस्मत कहां ले आई?
तुम अपने सुल्तान से मिलने के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन अब हमारे बादशाह से मिलोगे। जाओ। और तुम्हारी किस्मत में मेरे भाई की तलवार से जहन्नम वासल होना लिखा है। भाई तुम्हें कभी इस जमीन पर चैन से नहीं रहने देंगे। हमारी यह अजीम और शान सरजमीन तुम्हारा कब्रिस्तान साबित होगी। ले जाओ इसे। दुआन भाई, आंखें खोलो मेरे भाई, होश में आओ, हिम्मत करो मेरे भाई। खुशामदीद हाचातुरियान उस्ताद। खुशामदीद जना हाचातुरियान। वैसीलियस उन्हें निकिया भेजकर अपने बादशाह के सामने कैदी के तौर पर पेश करने वाला है। कुनियली, कुनियली, तुमने